वाराणसी से प्रयागराज तक जलमार्ग का एक प्रपोजल आया था, अलकनंदा क्रूज ने दिया था, तो इसमें फिजिबिलिटी चेक की जा रही है कि वाटर लेवल कितना रहता है और कहीं रास्ते में कोई हर्डल तो नहीं है। इस विषय में अलकनंदा क्रूज द्वारा एक सर्वे किया गया, IWI से बात चल रही है, और जब पानी थोड़ा बढ़ेगा तब उस समय ये यहाँ से वाराणसी से चुनार तक तो अभी तक जा रहा है रोडो बोट, इसके आगे विंध्याचल और उसके बाद प्रयागराज तक ले जाने के लिए पहले फिजिबिलिटी चेक की जाएगी, और अगर उनकी ये बड़ी बोट जा सकती है तो फिर उनका प्रपोजल मांग के उसमें जो भी सहायता होगी मेरे अनुसार वो निदेशालय से अनुमोदन लेके उनको प्रदान कराने का प्रयास किया जाएगा। जी, पर्यटकों को फ़ायदा ये होगा कि इससे डे बढ़ेगा, डे जो नाइट स्टे बढ़ेगा, और चूंकि प्रयागराज एकदम स्पिरिचुअल सर्किट पे ही हमारे बगल में, और अगर काशी विश्वनाथ धाम, उसके अलावा माँ विंध्यवासिनी का दर्शन और प्रयागराज, ये तीनों एक आध्यात्मिक सर्किट बन रहा है, तो इसका एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा और लोग इसको टूर को करने के लिए भी बनारस आएंगे ऐसा माना जा रहा है, और सब कुछ फिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है ये कितनी फिजिबिलिटी होती है। तो जब जुलाई अगस्त के समय इसकी फिजिबिलिटी चेक हो पाएगी, जब वाटर लेवल थोड़ा बढ़ेगा, अभी तो पानी थोड़ा कम हो गया, तो तब फिजिबिलिटी चेक हो जाएगी और तभी उसके बाद इस पर जो भी कार्रवाई किया जाना कुछ अगर पॉजिटिव रहता है तो संभव होगा।